हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम एक्शन बार एंड स्टेटस बार का कलर एंड टाइटल कैसे चेंज करते हैं, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्शन बार एंड स्टेटस बार को हम कैसे हाइड करते हैं एंड हाउ टू मेक द फुल स्क्रीन ऑफ आवर एक्टिविटी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी एंड्रॉइड स्क्रीन पर चलते हैं। हम अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पर आ गए हैं। अब सबसे पहले हम अपना इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हमें फाइल पर जाएंगे, फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पर दूंगा फुल स्क्रीन। ओके, यहाँ पर कंप्लीट डोमेन, प्रोजेक्ट लोकेशन एंड पैकेज नेम, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर ही हमारा API लेवल है, क्लिक नेक्स्ट। MPT एक्टिविटी, क्लिक नेक्स्ट। ओके, मैन एक्टिविटी का नेम हम चेंज नहीं करेंगे, सो फिनिश। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट की स्क्रीन आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, एंड ये बिल्ड हो रहा है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया फुल स्क्रीन। सो यहाँ पर एक डॉट जावा फाइल, मैन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी मैन डॉट XML, दो फाइल्स हमारी आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी एक्शन बार होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करके। ओके, सो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें जहाँ पर फुल स्क्रीन लिखा है ये हमारी होती है एक्शन बार, एंड इसके अपर जहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं जो होती है हमारा स्टेटस बार। तो हमें इन दोनों को हाइड करना है। ओके, सो हम यहाँ पर कोड करते हैं। सबसे पहले अगर हमें एक्शन बार को अपनी हाइड करना है, सो हम यहाँ पर एक कोड लिखते हैं, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड नाम का एक मेथड होता है। ओके, तो ये हमारी एक्शन बार को हाइड कर देगा। हम रन करके देखते हैं। हमारा APK इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारा आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन ऐप है। सो हमारी एक्टिविटी अब लॉन्च हो रही है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारी एक्शन बार थी जहाँ पर हमारा टाइटल था वो हाइड हो चुकी है। सो अब हम करते हैं अपनी स्टेटस बार को हाइड। यहाँ पर हम एक कोड और लिखते हैं, यहाँ पर कोड जो हम लिखते हैं ये होता है, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो हमारी स्टेटस बार होती है वो हमारी एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, जो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता, वह हमारी होता है फोन स्क्रीन का पार्ट, जिसे हम विंडो कहते हैं, यानी विंडो का पार्ट होता है हमारी स्टेटस बार। सो उसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, गेट विंडो ओके डॉट सेट फ्लैग। ये सेट फ्लैग जो होता है एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, इनर मेथड, एंड जिसका रिटर्न टाइप वर्ड होता है, एंड हम इसमें आर्गुमेंट पास करते हैं एक्स एंड वाई, ये सब मांग रहा है एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई की क्या कोऑर्डिनेट्स है कि जिस एरिया में हमें एक्शन बार को हाइड करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं विंडो मैनेजर, एक क्लास होती है, डॉट लेआउट पैराम्स, जिसे हम कहते हैं लेआउट पैरामीटर्स। ओके, यहाँ पर फिर हम लिखते हैं डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन। ओके, ये फुल स्क्रीन को शो करता है, क्योंकि जब
एक्शन बार भी हाइड हमारी हो गई एंड स्टेटस बार भी, तो स्क्रीन हमारी फुल हो गई। ये हमारा फुल फ्लैग फुल स्क्रीन होता है इनर मेथड, वो सॉरी फंक्शन होता है। यहाँ पर कॉमा, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेंड्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन। अब यही एज इट इज हम वाई कोऑर्डिनेट में भी देंगे, विंडो मैनेजर डॉट लेआउट पैरामीटर डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन। ओके फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये सिर्फ दो मेथड, दो लाइन का कोड यूज़ किया है। एंड ये हमारा होता है एक मेथड, ये उसका एक इनर मेथड होता है, ये क्लास होती है, इनर क्लास होती है, फिर ये फ्लैग फुल स्क्रीन होती है हमारा, ये होता है हमारा एक फंक्शन जो फुल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। सो हम रन करके देखते हैं। अब ये हमारा फुल स्क्रीन का था। सो यहाँ पर हमारी एक्शन बार एंड स्टेटस बार दोनों हाइड हो चुकी हैं, ये हमारी फुल स्क्रीन है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड उसके बराबर में नोटिफिकेशन बेल का आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे होगा कि ये कि जो मैं एंड्रॉइड से रिलेटेड कोई भी वीडियोज लाता रहूँगा सो आपकी तुरंत नोटिफिकेशन उस पर मिल जाएगी। अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।